उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता ने जनपद बहराइच के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश की पहचान उपभोक्ता प्रदेश के बजाय उत्पादक प्रदेश के रूप में बनेगी। उन्होंने कहा कि हम सभी को इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर आगे बढ़ना होगा। श्री गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्पादक प्रदेश के रूप में स्थापित करने से लोगों को रोजगार की तलाश में दूसरे देश और प्रदेश के लिए प्लान नहीं करना पड़ेगा। उत्पादक प्रदेश होने पर हम सभी अपने नौजवानों को रोजगार दे सकने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में फ्रेश वाटर फिश की डिमांड काफी बढ़ी है। कृषि प्रधान जनपद बहराइच की जलवायु मत्स्य उत्पादन के लिए अत्यंत उपयोगी है। जनपद में मत्स्य उत्पादन को लेकर अपार संभावना है। श्री गुप्ता ने कहा कि जनपद में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराया जाएगा। उपाध्यक्ष श्री गुप्ता ने कहा कि प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगने से माटी कला पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों को फलने फूलने का पूरा अवसर मिलेगा। सरकार की मंशा है कि सभी प्रकार की उपयोगी वस्तुओं के निर्माण के लिए कर्मकारों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए, ताकि ऐसे लोग सभी तो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सके। मुख्यालय में नहीं, प्रत्येक जिले को इसके लिए दिया गया, प्रत्येक जिले को इसके लिए बजट आवंटित कर दिया गया है। और पहला चरण इसका अधिकांश जिलों में चिन्हित, पहले चरण में काफी लोग हर जिलों में आ चुके हैं। इनमें सबको टूल किट दी जाएगी। पूरे प्रदेश का अलग है चार्ट है, आप जो नेट के ऊपर मौजूद है देख सकते हैं। मुझे बानी याद नहीं है, अगर आप कहें फाइल में रखा देख करके बता देंगे। और सारे लोगों और उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र को इसके लिए अधिकृत किया गया है। उनके नुकसान के एवज में कर दी गई है। अगर किसी खलिहान में आग लग जाए, ओलावृष्टि या पानी के बरसने से खलिहान में हो जाए, या मंडी परिसर सीमा के अंदर, मंडी परिसर के अंदर अनाज भीग जाए, आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट से कुछ हो जाए, या किसी ट्रक का ब्रेक फेल हो जाए, ऐसी किसी परिस्थिति में अगर कोई बड़ा नुकसान होता है तो 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान कर दिया।